स्किन पे मेकअप कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्किन खराब ना हो। ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, मेकअप करने के बाद तो मेकअप जब तक रहता है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मेकअप रिमूव करते हैं हम लोग तो मेकअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, मेकअप की वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, एजिंग टाइम से पहले आने लग जाता है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मेकअप रिमूव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों को, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने लगी, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेकअप रिमूवर तो बहुत ईजिली मिल जाता है, मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करना भी काफ़ी ईजी होता है, बट मेकअप रिमूव करने के बाद मेकअप स्किन को कैसे ठीक रखा जाता है, स्किन को कैसे मतलब हेल्दी रखेंगे, वो सारी टिप्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये मैंने मेकअप किया था और अभी तक काफ़ी अच्छा साइन एंड ग्लो आपको दिख रहा है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि ड्राई स्किन पे आपको मेकअप कैसे करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कितना प्रोडक्ट आपके फेस पे अप्लाई करना चाहिए तो आपका फेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एंड मेकअप प्रोडक्ट चूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन वालों के लिए। तो आज मैं बात कर रही हूँ मेकअप को रिमूव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेकअप रिमूवर से रिमूव करना तो सभी को पता होगा, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खिंची खिंची हो रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं, एंड आपकी स्किन मेकअप करने से आप डरते हो, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेकअप कीजिए, जितना मेकअप करना है कीजिए, बट बात है अपने स्किन केयर रूटीन को अच्छे से करने की। मेकअप करने से पहले किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, और मेकअप रिमूव करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो मेकअप आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेकअप करने से पहले और करने के बाद आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है, और उसके बाद आप रोज़ मेकअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप रिमूवर से तो आप मेकअप रिमूव करते हुए, मेरे पास स्पेशली अभी मेकअप रिमूवर ख़त्म हो चुका है, तो मैं मेकअप रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। मैं मेकअप रिमूवर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ फेस पे, तो आप मेकअप रिमूवर के लिए क्लिनजिंग मिल्क ही यूज़ कीजिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑल स्किन टाइप आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कीजिए, क्योंकि क्लिनजिंग मिल्क सॉफ्टली आपकी स्किन से डर्ट को, मैल को, मेकअप को रिमूव करता है एंड आपकी स्किन पे कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता है। आयुर का जो क्लिनजिंग मिल्क है ये काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के लिए, तो पहले आयुर का क्लिनजिंग मिल्क इस तरीके से ले लेंगे एंड डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे एंड मसाज कर लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसी तरीके से मसाज कीजिए, एंड ड्राई स्किन वालों को फेस वॉश के लिए आप मैं कहूँगी कि फेस वॉश यूज ही ना कीजिए, आप क्लिनजिंग मिल्क ही यूज कीजिए फेस वॉश की जगह पे, आपकी स्किन भी क्लीन रहेगी, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स नहीं आएंगे, डार्क पैचेस नहीं आएंगे, झुर्रियाँ नहीं आएंगी अगर आप फेस वॉश की जगह पे क्लिनजिंग मिल्क यूज करते। इस तरीके से आपको रिमूव करना है पूरे मेकअप को, बहुत ईजिली मेकअप रिमूव भी हो जाएगा और ड्राई स्किन वालों को आपका स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। इस तरीके से आपको मेकअप को रिमूव करना है मसाज करते हुए, कम से कम 4 से 5 मिनट आपको क्लिनजिंग मिल्क से इस तरीके से फेस को मसाज करना है, क्योंकि हम लोग जब आप देखते होंगे फेशियल क्लीनअप कुछ भी करते हैं उससे पहले हम लोग क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई करते हैं फेस पे। क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, धूप में से आए हुए हैं, हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा डर्ट होता है, मैल होता है, उन सभी को रिमूव करने के लिए तो मेकअप भी क्लिनजिंग मिल्क बहुत ईजिली रिमूव कर देता है। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप क्लिनजिंग मिल्क ले लीजिए, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप ले सकते हो एलोवेरा का मिक्स वाला कोई भी क्लिनजिंग मिल्क, या फिर आयुर का ले सकते हो, पपाया का ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो इस तरीके से मैंने पूरा मसाज कर दिया, आप इसको क्लीन कर लेंगे, बहुत इजी स्टेप है, विदाउट मेकअप रिमूवर आप मेकअप को इजीली रिमूव कर सकते हो, अपनी स्किन को भी डैमेज एंड पिगमेंट से बचा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मेकअप को पूरा अच्छे से रिमूव कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्किन पे अभी थोड़ा बहुत मेकअप है तो आप दोबारा से क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है, फेवरेट का तो नहीं बताऊंगी, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखे, आपकी स्किन को झुर्रियों से बचाए, पिगमेंट से बचाए,
छाइयों से बचाएं वो ऐसा कोई सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर यूज कीजिए आपके स्किन के अकॉर्डिंग। ड्राई स्किन के लिए अलग आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग आता है, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर ले लीजिए। आप कैसे चूज करोगे वो मैंने वीडियो में बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस, मतलब जो थोड़ा सा थिक होता है वैसा कोई मॉइस्चराइजर यूज करोगे, जेल बेस या फिर बिल्कुल पानी जैसा जो मॉइस्चराइजर होता है वो ऑयली फेस के लिए होता है। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए होता है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लीजिए। मेकअप को रिमूव करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाइए एंड दैट्स इट। इतना बस कर लोगे आपका स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगा, दाग धब्बे नहीं आएंगे एंड स्किन मेकअप आप कितना भी कीजिए आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा मेकअप, और झुर्रियाँ भी बिल्कुल नहीं आएंगी। तो मैं ऐसे करती हूँ मेकअप एंड अपना स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी जाइएगा नहीं, बता रही हूँ अभी और भी इसके बाद क्या करना है आपको। अभी तो मैंने सिर्फ मेकअप रिमूव किया है। मेकअप रिमूव करने के बाद फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, पानी को सुखा लेंगे। उसके बाद में बेस्ट टोनर ले लीजिए, टोनर नहीं है गुलाब जल ले लीजिए। मैं टोनर यूज़ नहीं करती, मैं गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ। ओके, थोड़ी देर इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए स्किन में। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो वो आप अपने फेस पे ज़रूर लगाइए। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सनस्क्रीन आप स्किप कर भी सकते हो तो मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं तो कहूँगी सनस्क्रीन भी आपको डेली लगाना चाहिए फेस पे। आप घर में रह रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि हम घर में ही रहते हैं तो हमको सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आपके घर के अंदर भी आपके फेस को आपके स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो आपको अभी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो आपको बिल्कुल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। और ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये स्किन को पिगमेंट से रिमूव करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, स्किन को लाइट ब्राइट करता है। आपकी स्किन अगर बहुत सांवली पड़ गई है तो आपको एक दो टोन तक फेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इतना लगा लिया मैंने, अभी शाम हो गया है तो मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करूँगी। अगर दिन का टाइम रहता तो मैं इसके बाद 5 मिनट के बाद सनस्क्रीन भी यूज़ करती। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी वीडियो आए आपको सबसे पहले देखने को मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड चैनल पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालते रहती हूँ तो सेकंड चैनल पे भी जाके जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप प्रीति वाई 2 सर्च कर सकते हो, इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24 है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपको दिक्कत है ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।